गोवा के कसीनो का मजा घर बैठे बैठे ले सकते हो Play681 वेबसाइट पे, क्योंकि इस पे आपको सारे कसीनो गेम्स मिल जाते हैं जैसे कि पैक्रैट, रोलेट, स्लॉट्स गेम, फिश गेम और भी बहुत कुछ। आपको कुछ नहीं करना है ये सारे कसीनो गेम्स खेलने के लिए Play681india.com पे जाओ, अपना एक अकाउंट बनाओ रजिस्टर पे क्लिक करके और सारी अपनी डिटेल्स भरो, रजिस्टर करो और फिर जो है उसमें लॉगिन करके रुपीस के सेक्शन पे जाओ। तो रुपीस के सेक्शन पे जाने के बाद आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है, डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन बैंकिंग पे क्लिक करना है और आपको जो है यहाँ पे अमाउंट डालना है। अमाउंट जो है आप मिनिमम 500 डाल सकते हैं या 500 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है, कोई परेशानी नहीं है। और फिर आपको जो है यहाँ पे बैंक चूज करना है, जिस भी बैंक से जो है आपको पैसे डालने हैं, डिपॉजिट करने हैं। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे चूज प्रमोशन, यानी कि आपको जो है बोनस दिया जा रहा है Play681 की तरफ से आपके डिपॉजिट पे। तो आप जो है इन सब स्कीम्स में से जो है, प्रमोशन स्कीम में से जो है, कोई भी एक जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जो है 500 पे 100 फ्री वाला जो यहाँ पे प्रमोशन स्कीम है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर कुछ नहीं करना है, ऐड डिपॉजिट बटन पे जो है क्लिक कर देना है। एक बार ये आपके पैसे डिपॉजिट होने के बाद आप जो है किसी भी गेम का मजा उठा सकते हो और उस पे बैठ करके अपनी किस्मत आजमा सकते हो। और अगर आप वो गेम जीत जाते हो तो विड्रॉ के सेक्शन में जाके आप अपने जितने भी जीते हुए पैसे हैं उन्हें आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हैं। और चिंता मत करो दोस्तों, Play681 जो है आपको सिर्फ एंटरटेनिंग गेम्स ही प्रोवाइड नहीं करता, वो जो है आपका ध्यान भी रखता, क्योंकि ये गेम्स की आदत लग सकती है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना चाहते हुए भी ये गेम खेलते जा रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। Play681 आपको 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जहां आप एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं। और अगर इस बारे में आपको और ज्यादा जानना है तो रिस्पॉन्सिबल गेमिंग का जो लिंक है उस पे आप जाके और भी इस बारे में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इंतजार क्या कर रहे हैं, अभी साइट पे जाइए और घर बैठे बैठे कसीनो के मजे लूटिए। He's on fire. Fantastic performance. Oh, what a leap. Takes a superb catch. What a win. That's done it. The whole team running over to celebrate. तो दोस्तों स्वागत है आपका क्यूबिट गेमिंग पे और आज हम खेलने वाले इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका बारामती स्टेडियम में। तो काफ़ी मज़ेदार ये मैच होने वाला है। टीम की जो लाइनअप है वो मैंने ये रखी है और इस बार जो है ऋषभ पंत को जो है कप्तान बनाना था, दीपक हुडा कैसे बन गए हैं यार, अरे यार ये गलती हो गई है। खैर कोई नहीं, टॉस के अलावा बाकी जगह तो मतलब कप्तान तुम्हें पता ही है एक्चुअल में कौन है, मैदान पर कोई और है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। अरे यार ये गलती हो गई, फिर से मैच चालू करना पड़ेगा। अच्छा हो जाती है कभी कभी गलती, माफ़ कर दिया करो। दीपक हुडा तो कप्तान नहीं, ऋषभ पंत समझ लो थोड़ी देर के लिए यार, इन्हें मतलब थोड़ा सा तो गलती माफ़ कर ही सकते हो। सिक्का उछल चुका है और यहाँ पे इंडिया ने टॉस जीता है और मैं जो है बल्लेबाजी करूँगा, बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं कि इंडिया की तरफ से खेल रहा हूँ मैं, ऑब्वियसली बात है। तो बल्लेबाजी करेंगे और ये मैदान जो है काफ़ी सुंदर मैदान है, बहुत मज़ा आने वाला है। पिच जो है थोड़ी सी मतलब अच्छी दिख रही है यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए, तो काफ़ी मज़ा आएगा पहले बल्लेबाजी करने में। सुंदर मैदान है, काफ़ी सुंदर मैदान है। और ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ की लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो बल्लेबाजी की जोड़ी है वो जो है शुरुआत करेगी यहाँ पे बल्लेबाजी की भारतीय टीम की तरफ से। और मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका की तरफ से जो है लुंगी निगिड़ी और काकिसो रबाड़ा का जो पेस अटैक है, जो मतलब वर्ल्ड क्लास बॉलिंग जो मतलब करते हैं ये दोनों गेंदबाज, तेज तरार गेंदबाजी, इन स्विंग आउट स्विंग, हर जो है हर तरीके के गेंद पे जो है इनकी महारत हासिल है, वो जो है उनका जो है सामना करना पड़ेगा यहाँ पे गायकवाड़ और ईशान किशन के। थोड़े से नौसिखिए यानी कि मतलब एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन इतना कम भी नहीं है कि एकदम ही जो है पहला मैच खेल रहे हो। तो काफ़ी मज़ेदार जो है यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन होने वाला है। ऋतुराज गायकवाड़ का दूसरा ही मैच है लेकिन ईशान किशन तो एकदम मंझे हुए खिलाड़ी हो चुके हैं अब। पहली गेंद, मैदान देखिए हरा भरा मैदान है यहाँ पे, पहली गेंद इसी के साथ और ये अच्छा शॉट खेल दिया है यहाँ पे ईशान किशन ने, गैप में शॉट खेला है। No!
सिंगल से शुरुआत कर लेंगे और स्ट्राइक पे आ जाएंगे ऋतुराज गायकवाड़। पिछले मैच में जो है थोड़ी सी खराब बल्लेबाजी करी थी मैंने और इस वजह से जो है मैच जल्दी खत्म हो गया था, काफी जल्दी खत्म हो गया था। 144 रन ही बनाए थे और उस वजह से जो है आराम से जो है 17वें ओवर में जो है यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने वो बना लिए थे वो। और ये अच्छी गेंद यहाँ पे आउट हो सकते थे ईशान किशन, शॉट अच्छा था लेकिन पॉइंट का फील्डर मौजूद था वहाँ पे तो रिस्की शॉट था एक तरीके से। लुंगी निगिड़ी अगली गेंद इसी के साथ, अच्छी गेंदबाजी करी अभी तक। हवा में गेंद और यहाँ पे विकेट मिल जाएगा ईशान किशन का, सीधे बल्ले से खेलना चाह रहे थे, टाइमिंग बिल्कुल नहीं। अच्छी गेंद चौंकाया वहाँ पे ईशान किशन को और लुंगी निगिड़ी ने पहले ओवर में जो है ईशान किशन का जो है विकेट निकाल दिया। बहुत बड़ा झटका हो सकता है ये भारतीय टीम के लिए। ईशान किशन आक्रामक बल्लेबाज है, अच्छी शुरुआत दिलाते हैं और दीपक हुडा जो है यहाँ पे आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। दीपक हुडा पहले खेल चुके हैं भारतीय टीम से, अच्छा शॉट खेला है, शॉट बहुत ही लाजवाब, 4 रन से शुरुआत करेंगे यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पे बल्लेबाजी, 4 रन से जो है शुरुआत कर दी है यहाँ पे अपनी पारी की दीपक हुडा ने। बहुत ही बढ़िया शॉट देखिए कितना लाजवाब। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, लुंगी निगिड़ी एक विकेट ले चुके हैं ऑलरेडी। हवा में गेंद है, फील्डर मौजूद है और यहाँ पे बच जाएंगे। कैच छोड़ा है ये, बहुत बड़ा कैच छोड़ा है मेरे हिसाब से, क्योंकि दीपक घोड़ा का अगर बल्ला चलने लग जाता है तो फिर जो है यहाँ पे विकेट निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा उनका। पहली ओवर में अगर 2 विकेट मिल जाते तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। बढ़िया गेंद निगिड़ी दूर रखी वहां पे। रबाड़ा आ गए इसी के साथ गेंदबाजी करने के लिए, स्ट्राइक पे हैं ऋतुराज गायकवाड़, एक बॉल में 1 रन बना के खेल रहे हैं। अच्छा शॉट खेला, ये फील्डर मौजूद है वहां पे, सिंगल मिलेगा सिर्फ। रबाड़ा तो करना होगा भारतीय टीम का कबाड़ा। अगली गेंद देखते हैं यहाँ पे इसी के साथ, काकिसो रबाड़ा, अच्छी गेंद बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पे, शॉर्ट पिच गेंद रखी और वहां पे पूरी तरीके से जो है कंफ्यूज रहे दिखे वहां पे दीपक हुडा। अगली गेंद रबाड़ा की, शुरुआत तो काफी अच्छी मिल गई है। बढ़िया गेंद अंदर की तरफ आई यहाँ पे, लगभग अगर वहां पे पैर नहीं लगता तो शायद जो है विकेट मिल जाता। बहुत ही गजब की गेंद ये, लेग बाय का सिंगल। गायकवाड़ आ गए हैं स्ट्राइक पे इसी के साथ। रबाड़ा 3 गेंदों में अभी तक सिर्फ 1 रन दिया उन्होंने। बहुत ही अच्छी गेंद थी ये भी, अंदर की तरफ आई, पहले शॉट खेल बैठे थे, विकेट कीपर भी बीट हो गए और ऋतुराज गायकवाड़ भी बीट हो गए। 4 रन मिल जाएंगे भाई के यहाँ पे, ये देखिए पहले ही शॉट खेल बैठे। बहुत ही जो है गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे रबाड़ा, बिल्कुल भी जो है बल्लेबाजों को समझ नहीं आ रही है कि गेंद जो है किस तरफ जो है दिशा मोड़ेगी अपनी। अरे बाप गजब की गेंदबाजी यहाँ पे, बहुत ही गजब की गेंदबाजी। आखिरी गेंद देखते हैं इसी के साथ, रबाड़ा क्या गेंदबाजी करी है इस ओवर में, बिल्कुल ही जो है छका के रखा हुआ है ये शॉट, लेकिन अच्छा खेला है इस बार जो है। टाइमिंग बहुत ही बढ़िया यहाँ पे गायकवाड़ का और 4 रन बटोर लिए उन्होंने। दीपक हुडा एक बार फिर से स्ट्राइक पे, पहली बॉल पे चौका मार के शुरुआत करी थी उन्होंने। एज और यहाँ पे विकेट मिल जाएगा, लुंगी निगिड़ी जो है यहाँ पे लुंगी उतारने पे तुले हुए बल्लेबाजों की। पहला विकेट निकाला था वहां पे ईशान किशन का और दूसरा विकेट यहाँ पे एज लगा और दीपक हुडा भी जो है सस्ते में निपट जाएंगे। खराब बल्लेबाजी और काफी अच्छा कैच यहाँ पे क्विंटन डी कॉक की तरफ से। तो भारतीय टीम की एक बार फिर से खराब शुरुआत। नए बल्लेबाज कप्तान ऋषभ पंत, मतलब टेक्निकली तो कोई और है लेकिन बनाना तो मैं नहीं चाहता था,
कप्तान ऋषभ पंत आए हैं और ये अच्छा शॉट खेला है पहली बॉल पे आते ही। बॉल बाउंड्री तक तो जाते हुए नहीं दिख रही मुझे, लेकिन दो रन जरूर मिल जाएंगे। 18 पे 2 स्कोर हो चुका है यहाँ पे। इन दोनों बल्लेबाजों को मिल के जो है एक पार्टनरशिप बनाने की जो है सख्त ज़रूरत है। अगली गेंद देखते हैं यहाँ पे ऋषभ पंत, अच्छी बल्लेबाजी जो है करनी होगी आज ऋषभ पंत को। और ये शॉट बहुत ही अच्छा खेला, बहुत ही गजब का शॉट खेला, ये सिंगल मिल जाएगा। स्लो है लेकिन काफी जो है मजेदार यहाँ पे जो है शुरुआत मिली है साउथ अफ्रीका को। और भारतीय टीम थोड़ी सी जो है यहाँ पे दुविधा में तो नजर आ रही है इस समय। अच्छा शॉट है, फील्डर मौजूद है वहां पे और सिंगल मिल जाएगा। गेंदबाजी जो है बहुत ही अच्छी हो रही है यहाँ पे दोनों तरफ से, खासकर निगेड़ी ने जो है 2 विकेट निकाले हैं जिस हिसाब से, मज़ा ही आ गया देख के। अच्छा शॉट ये, ऋषभ पंत सिंगल लेंगे आराम से। भारतीय टीम जो है पिछले मैच में भी जो है स्टार्टिंग में कुछ विकेट गिर गए थे, फिर उनकी रिकवरी करते करते जो है समय निकल गया था और फिर आखिर में फिर जो है विकेट गिर गए थे। ये अच्छा शॉट है लेकिन फील्डर मौजूद है तो रन मिल नहीं पाएगा। रबाड़ा कंटिन्यू करेंगे और स्ट्राइक पे हैं ऋषभ पंत। देखते हैं यहाँ पे रबाड़ा की पहली गेंद, लेग साइड में फ्लिक कर दिया ऋषभ पंत ने, कोई ज़्यादा जोखिम भरा शॉट खेलने को नहीं देखा उस बॉल पे। स्ट्राइक पे आ जाएंगे गायकवाड़ इंडियन टीम के लिए। अभी जो है इन्होंने मतलब खेलना चालू किया है और आज मौका है, टीम थोड़ी सी जो है दुविधा में तो है। हवा में गेंद और बच गए, टाइमिंग उतना अच्छा नहीं था, बाल बचे हैं वहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़। तो पिच जो है थोड़ी सी जो है अपनी यहाँ पे साजिश रचती हुई बल्लेबाजों के खिलाफ। अच्छा शॉट खेला है ये, बहुत ही अच्छा शॉट खेला है, गैप में भी खेला है और ऐसा लग रहा है बॉल जो है एकदम जो है धीमे धीमे करके जो है बाउंड्री तक निकल जाएगी। बढ़िया शॉट ये ऋषभ पंत का, सिर्फ टाइम किया, बिल्कुल भी दम नहीं लगाया उस बॉल पे और टाइमिंग देखिए कितना लाजवाब, शानदार शॉट। लग नहीं रहा था किसी भी हालत में कि बॉल जो है बाउंड्री तक निकल जाएगी, लेकिन ऋषभ पंत की बाजुओं में जान इतनी है कि क्या ही बोले। हवा में गेंद और बच गए यहाँ पे ऋषभ पंत, सीधा हाथ में गेंद थी, रवाड़ा को पहला विकेट मिलने वाला था लेकिन गलती कर बैठे। ये मैच भी हो सकता है क्योंकि ऋषभ पंत बहुत बड़ा कैच छूटा है ये। अच्छा शॉट ये सिंगल के लिए, 31 पे स्कोर पहुंच जाता है। आखिरी गेंद रह रही है, स्ट्राइक पे एक बार फिर से आ गए हैं ऋषभ पंत। पिछली ही गेंद पे जो है यहाँ पे कैच छूटा है उनका, इस गेंद पे देखते हैं क्या करते हैं। और इस बार गजब का शॉट, यही कह रहा था मैं, वो कैच पकड़ लेते तो काफी ज्यादा जो है मैच साउथ अफ्रीका की तरफ झुक जाता। 4 ओवर के बाद 35 पे 2 भारतीय टीम, स्ट्राइक पे है गायकवाड़, नो बॉल नो रन। और शॉट बहुत ही लाजवाब, लेकिन जो गलती कर दी यहाँ पे भागने की वो बच गई कि डायरेक्ट हिट नहीं हुई शॉट, लेकिन बहुत ही जानदार था, बहुत ही उमदा टाइमिंग था उस पे। अगली गेंद देखते हैं यहाँ पे ऋषभ पंत, पिछले ओवर में बढ़िया जो है 2 शॉट खेले हैं और ये शॉट भी अच्छा खेला है लेकिन फील्डर मौजूद रहेगा वहाँ पे, सिंगल से ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाएगा। 37 पे स्कोर पहुँच गया है, दोनों ही बल्लेबाजों का जो टाइमिंग है वो काफ़ी बेहतर दिख रहा है मुझे। अब देखते हैं इस बॉल पर क्या होता है। ऋतुराज गायकवाड़ सिंगल लेके खेल रहे हैं अभी तक जो है। ये शॉट अच्छा खेला है, शायद बॉल बाउंड्री के बाहर तो नहीं जा पाएगी लेकिन एक बाउंस खा के जो है चौकिया जो है मिल जाएगा यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ को। बहुत देर से हम देख रहे थे
कि अपने आप को रोक के जो है खेल रहे थे, लेकिन अब जो है काफ़ी बाहर बॉल डाल दी थी वो निगेडी ने, और उसका जो है पूरा पूरा फ़ायदा उठाया यहाँ पे गायकवाड़ ने। बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, वापसी अच्छी कर रहे हैं यहाँ पे सारी ही जो है साउथ अफ्रीकन गेंदबाज, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं उसमें, अच्छी वापसी। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ। अरे बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे गेंदबाजी और फील्डिंग, चौका खाया था लेकिन उसके बाद वापसी बहुत ही तगड़ी। आखिरी गेंद इस ओवर की इसी के साथ, गायकवाड़ स्ट्राइक पे, अच्छी गेंद अच्छी गेंद, यहाँ पे विकेट गिर सकता है, बच गए बच गए। दोस्त आप गोवा के कसीनो का मजा घर बैठे बैठे ले सकते हो Play681 वेबसाइट पे, क्योंकि इस पे आपको सारे कसीनो गेम्स मिल जाते हैं जैसे कि पैक रैट, रोलेट, स्लॉट्स गेम, फिश गेम और भी बहुत कुछ। आपको कुछ नहीं करना है ये सारे कसीनो गेम्स खेलने के लिए Play681India.com पे जाओ, अपना एक अकाउंट बनाओ रजिस्टर पे क्लिक करके, और सारी अपनी डिटेल्स भरो, रजिस्टर करो और फिर जो है उसमें लॉग इन करके रुपीज के सेक्शन पे जाओ। तो रुपीज के सेक्शन पे जाने के बाद आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है, डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन बैंकिंग पे क्लिक करना है और आपको जो है यहाँ पे अमाउंट डालना है। अमाउंट जो है आप मिनिमम 500 डाल सकते हैं या 500 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है, कोई परेशानी नहीं है। और फिर आपको जो है यहाँ पे बैंक चूज करना है, जिस भी बैंक से जो है आपको पैसे डालने हैं, डिपॉजिट करने हैं, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे चूज प्रमोशन, यानी कि आपको जो है बोनस दिया जा रहा है Play681 की तरफ से आपके डिपॉजिट पे। तो आप जो है इन सब स्कीम्स में से जो है, प्रमोशन स्कीम में से जो है, कोई भी एक जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जो है 500 पे 100 फ्री वाला जो यहाँ पे प्रमोशन स्कीम है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर कुछ नहीं करना है, ऐड डिपॉजिट बटन पे जो है क्लिक कर देना है। एक बार ये आपके पैसे डिपॉजिट होने के बाद आप जो है किसी भी गेम का मजा उठा सकते हो और उस पे बैट करके अपनी किस्मत आजमा सकते हो। और अगर आप वो गेम जीत जाते हो तो विड्रॉ के सेक्शन में जाके आप अपने जितने भी जीते हुए पैसे हैं उन्हें आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हैं। और चिंता मत करो दोस्तों, Play681 जो है आपको सिर्फ एंटरटेनिंग गेम्स ही प्रोवाइड नहीं करता, वो जो है आपका ध्यान भी रखता है, क्योंकि ये गेम्स की आदत लग सकती है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना चाहते हुए भी ये गेम खेलते जा रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। Play681 आपको 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जहां आप एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं। और अगर इस बारे में आपको और ज्यादा जानना है तो रिस्पॉन्सिबल गेमिंग का जो लिंक है उस पे आप जाके और भी इस बारे में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इंतजार क्या कर रहे हैं, अभी साइट पे जाइए और घर बैठे बैठे कसीनो के मजे लूटिए। गए बाल बाल बच गए, केशव महाराज को लेके आ गए हैं यहाँ पे कप्तान, अब स्ट्राइक में है गायकवाड़, देखते हैं क्या करेंगे। बहुत ही अच्छी गेंद, रूम नहीं दिया बिल्कुल भी, स्टंप लाइन पे बॉल को रखा, बड़ा शॉट खेलने के लिए गए तो थे लेकिन टाइमिंग वहां पे बिल्कुल भी नहीं। अगली गेंद देखते हैं केशव महाराज की, ऋतुराज गायकवाड़, हवा में गेंद तो है, फील्डर नीचे पहुंच नहीं पाएगा समय रहते और मेरे ख्याल से चौका बचा नहीं पाएंगे, बहुत क्लोज था, टाइमिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी वहां पे गायकवाड़ की, लेकिन चांसेस ले रहे हैं हम अपने। आखिरी ओवर है पावर प्ले का, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है पावर प्ले का जो आखिरी ओवर है उसका फायदा उठाने को देख रहे हैं। मेरे हिसाब से ये अच्छा निर्णय कि केशव महाराज को जो लेके आने का निर्णय है वो बहुत ही अच्छा निर्णय, अच्छा शॉट, और ये तो प्योर क्लास ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से वहां पे बहुत ही बढ़िया कवर ड्राइव, और इसी के साथ 50 रन भी पूरे हो गए भारतीय टीम के। शॉट देखिए यार कितना लाजवाब शॉट, उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे लेकिन ये शॉट के तो पूरे नंबर। अगली गेंद देखते हैं, केशव महाराज दो चौके खा चुके हैं, स्पिनर्स के लिए उतनी अच्छी जो है ये मैदान लग नहीं रहा है अभी तक। इस बार भी जो है यहाँ पे उठा के शॉट खेला है, टाइमिंग उतना अच्छा नहीं कहूँगा मैं लेकिन तब भी 4 रन मिल जाएंगे क्योंकि गैप में शॉट था। तो पिछले मैच में स्पिनर्स को जितना फ़ायदा मिल रहा था, इस मैच में तो मुझे अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं है इन 3-4 बॉलों में कि स्पिनर्स के लिए जो है ये मैच अच्छा हो, लेकिन आज भी जो है
तीन स्पिनर्स के साथ खेल रही है भारतीय टीम, देखते हैं क्या होता है। और इस बार तो छक्के के लिए खेल दिया, इस बार जो है टाइमिंग में जो है कोई भी मतलब कमी नहीं कहूंगा मैं, सीधा बॉल जो है बाहर की तरफ डाली वहां पे माकेशव महाराज ने और छक्के के लिए जो है खेल दिया उसे। शानदार बल्लेबाजी ऋतुराज गायकवाड़, और विकेट मिल गया है, विकेट मिल गया है। इसी के साथ जाते जाते जो है केशव महाराज ने काम कर दिया यहाँ पे। अभी जो है मनोरंजन चालू हुआ ही था कि अब गायकवाड़ को जो है 20 बॉलों में 33 रन बना के वापस जाना पड़ेगा पेविलियन। धीमी शुरुआत थी लेकिन अब जो है माहौल बनने लग गया था। फिर से जो है यहाँ पे एक और ट्विस्ट और दूसरी तरफ से भी स्पिनर तबरेज शमसी जो है आ गए यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए, देखते हैं क्या होता है इस गेंद पे। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। पहली गेंद पे ही कप्तान ऋषभ पंत को जो है बीट किया वहाँ पे तबरेज शमसी ने। गेंद देखते हैं इसी के साथ, हवा में गेंद है, फील्डर मौजूद है और आते ही शमसी काम कर देंगे अपना। ये मैच भी जो है पिछले मैच की कार्बन कॉपी क्यों लग रहा है मुझे, ये देखिए काफी खराब शॉट, टाइमिंग बिल्कुल नहीं, मैदान पे किसी को तो रहना पड़ेगा। दिनेश कार्तिक आ गए हैं मैदान पे। आईपीएल सीजन का बहुत अच्छा गया है लेकिन आज जो है यहाँ पे अब भारतीय टीम की तरफ से जो है इनको अपना कमाल दिखाना होगा बल्लेबाजी का। अच्छा शॉट खेला है, ये बॉल बाउंड्री तक निकल जाएगी, बहुत ही अच्छा जो है ये शॉट श्रेयस अय्यर की तरफ से। पहली गेंद खेल रहे थे, दोनों नए बल्लेबाज मौजूद हैं क्रीज पे और ऐसे कुछ जो है शॉट्स जो हैं देखने को मिलने चाहिए तभी जाके जो है कुछ माहौल बनेगा यहाँ पे। हवा में गेंद है, शॉट अच्छा है, गैप में शॉट है, दो बॉल दो चौके, श्रेयस अय्यर विकेट गिराया हुई अभी कप्तान का, लेकिन यहाँ पे जो है रुकने का मन नहीं है श्रेयस अय्यर का, कह रहे हैं अटैकिंग बल्लेबाजी जारी रखनी पड़ेगी। बढ़िया बढ़िया दो शॉट, अगली गेंद देखते हैं यहाँ पे शमजी की तरफ से। बढ़िया गेंद, तेज डाली इस बार, अगली गेंद इसी के साथ शमसी पहले ओवर में एक विकेट निकाल चुके हैं कप्तान ऋषभ पंत का। और इस बॉल में फ्लाइट दी थी, हल्का सा जो है फंसे तो थे वहां पे श्रेयस अय्यर लेकिन फिर जो है यहाँ पे 3 रनों के लिए जा रहे हैं। थोड़ा सा तेज दौड़ने की जरूरत, डायरेक्ट हिट, अगर डायरेक्ट हिट ने काम कर दिया होगा तो यहाँ पे भारतीय टीम को ये बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। नहीं यार पहुंच गए, नहीं पहुंचे शायद। अबे यार दिनेश कार्तिक बिना बॉल फेस करे जो है वापस चले जाएंगे, ये बहुत बड़ा झटका है। आखिरी बल्लेबाज भारतीय टीम की तरफ से हार्दिक पांड्या क्रीज पे आ गए हैं, स्ट्राइक पे हैं श्रेयस अय्यर। अच्छी गेंद, अब अंडर प्रेशर है यहाँ पे, 7 ओवर 70 रन और विकेट जो है 5 गिर चुके हैं भारतीय टीम के, तो अब जो है अंडर प्रेशर जो है थोड़ी सी बैटिंग दिखेगी हमें। और रे बाप गजब गेंदबाजी यहाँ पे। श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या, इन दोनों पे काफी बड़ी जिम्मेदारी इस समय। हवा में गेंद है, फील्डर ने कैच पकड़ लिया है और जिम्मेदारी जो है कोई भी निभाना नहीं चाह रहा है इस समय। युवा टीम है ये और यहाँ पे सब जो है ऐसा लग रहा है अंडर प्रेशर खेल रहे हैं। और हार्दिक पांड्या का अच्छा सीजन रख गया था ये आईपीएल का, आज जो है उसका कुछ जो है नमूना यहाँ पे इस मैच में भी देना पड़ेगा। सिंगल लेंगे आती पहली गेंद पे,
अक्षर पटेल, बल्लेबाजी करने की क्षमता है इनमें, लेकिन इस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं। अच्छा शॉट, ये फील्डर मौजूद है वहां पे, लेकिन यहां पे बच जाएंगे, कोई ओवर थ्रो नहीं। अच्छा ओवर ये केशव महाराज का, पिछले ओवर में भले थोड़े रन खाए थे लेकिन विकेट निकाला था, और इस ओवर की भी पहली गेंद पे जो है विकेट निकाला। तो स्पिनर्स, मतलब मैं कहूँगा स्पिनर्स के लिए इतना कुछ खास तो नहीं है, लेकिन ख़राब बात यह है कि भारतीय टीम जो है यहाँ पे जो बल्लेबाजी कर रही है वो बिल्कुल ही ख़राब कर रही है, इस वजह से जो है मौके बन रहे हैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका के लिए। किसी को तो वहाँ पे जो है क्रीज पे रह के जो है समय बिताना होगा, तभी जाके जो है यहाँ पे कुछ स्कोर खड़ा कर सकते हैं आप। हवा में गेंद खेलना चाह रहे थे, टाइमिंग बिल्कुल नहीं, सिंगल ही मिलेगा। अगली गेंद, पिछला मैच वैसे रियलिटी में भी हार गई थी भारत, जबकि 200 से ऊपर का जो है स्कोर खड़ा करा था। हवा में शॉट खेला है लेकिन टाइमिंग उतना अच्छा नहीं है, सिंगल ही मिलेगा पंड्या को। 74 पे 6, तो प्रेशर साफ दिख रहा है यहाँ पे बल्लेबाजी में दोनों ही बल्लेबाजों के। देखते हैं इस बॉल पे क्या करते हैं सबरे शमसी के। अच्छा शॉट खेला है, ये बहुत ही अच्छा शॉट खेला है, बॉल जो है बाउंड्री के पार निकल जाएगी। अच्छा गैप ढूंढा है वहां पे अक्षर पटेल ने, अंडर प्रेशर कुछ ऐसे ही बल्लेबाजी करनी होगी, खराब बॉल का जो फायदा उठाना होगा और अच्छी बॉलों का सम्मान करना होगा। अंत तक खेलने की जरूरत है यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों को अब। अच्छा शॉट, ये भी गैप में है, टाइमिंग तो उतना अच्छा नहीं था लेकिन क्योंकि गैप में है यहाँ पे चांस लग रहा है कि 3 रन मिल जाएंगे आराम से। दिनेश कार्तिक का वो जो रनआउट है वो बहुत ही ख़राब रनआउट है मेरे ख्याल से, ये बाद में जो है बहुत भारी पड़ने वाला ये रनआउट भारतीय टीम को। खैर हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पे, ऑफ साइड में बॉल को पुश कर दिया है, आराम से सिंगल लेंगे। 82 पे 6, 9 ओवर के बाद इंडिया। केशव महाराज आ गए इसी के साथ गेंदबाजी करने के लिए, देखते हैं क्या होता है इस गेंद पे। हवा में गेंद खेली है, फील्डर नीचे आ रहा है और ये खराब शॉट खेल दिया पांड्या, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, और कोई बल्लेबाज नहीं है आपके बाद बैटिंग करने के लिए और आपने इतना खराब शॉट खेला है कि क्या ही बोलूं मैं। इस समय संभल के खेलने की जरूरत थी, बिश्नोई आए हैं और ज्यादा बल्लेबाजी जानते नहीं है, तो अक्षर पटेल को ही जो है थोड़ा सा यहाँ पे जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हवा में गेंद सिंगल मिलेगा सिर्फ। 81 पे 7, भारतीय टीम, रवि बिश्नोई स्ट्राइक पे आ गए। ऑफ साइड में पुश की बॉल को, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। हार्दिक पांड्या की वो जो गलती है वो बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है यहाँ पे, कि उस एक गलती की वजह से जो है यहाँ पे मतलब ऑल आउट हो सकती है टीम, जैसे कि पिछली बार ही हो गई थी, लेकिन यहाँ तो उससे भी बुरी हालत में है। यहाँ पे अक्षर पटेल को जो है रन मारने पड़ेंगे। सीधा फील्डर के पास, रन मिलेगा नहीं, अंडर प्रेशर बल्लेबाजी हो रही है अक्षर पटेल की भी। अब देखते हैं क्या होता है इस गेंद पे। केशव महाराज, अगली गेंद, अक्षर पटेल, बहुत ही गजब की गेंद वहां पे। दोस्तों आप गोवा के कसीनो का मजा घर बैठे बैठे ले सकते हो Play681 वेबसाइट पे, क्योंकि इस पे आपको सारे कसीनो गेम्स मिल जाते हैं, जैसे कि बैकराट, रोलेट, स्लॉट्स गेम, फिश गेम और भी बहुत कुछ। आपको कुछ नहीं करना है ये सारे कसीनो गेम्स खेलने के लिए Play681India.com पे जाओ, अपना एक अकाउंट बनाओ रजिस्टर पे क्लिक करके और सारी अपनी डिटेल्स भरो, रजिस्टर करो और फिर जो है
उसमें लॉग इन करके रुपीज के सेक्शन पे जाओ। तो रुपीज के सेक्शन पे जाने के बाद आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है, डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन बैंकिंग पे क्लिक करना है और आपको जो है यहाँ पे अमाउंट डालना है। अमाउंट जो है आप मिनिमम 500 डाल सकते हैं या 500 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है, कोई परेशानी नहीं है। और फिर आपको जो है यहाँ पे बैंक चूज करना है, जिस भी बैंक से जो है आपको पैसे डालने हैं, डिपॉजिट करने हैं। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे चूज प्रमोशन, यानी कि आपको जो है बोनस दिया जा रहा है प्ले 681 की तरफ से आपके डिपॉजिट पे। तो आप जो है इन सब स्कीम्स में से जो है, प्रमोशन स्कीम में से जो है, कोई भी एक जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जो है 500 पे 100 फ्री वाला जो यहाँ पे प्रमोशन स्कीम है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर कुछ नहीं करना है, ऐड डिपॉजिट बटन पे जो है क्लिक कर देना है। एक बार ये आपके पैसे डिपॉजिट होने के बाद आप जो है किसी भी गेम का मजा उठा सकते हो और उस पे बैट करके अपनी किस्मत आजमा सकते हो। और अगर आप वो गेम जीत जाते हो तो विड्रॉ के सेक्शन में जाके आप अपने जितने भी जीते हुए पैसे हैं उन्हें आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हैं। और चिंता मत करो दोस्तों, प्ले 681 जो है आपको सिर्फ एंटरटेनिंग गेम्स ही प्रोवाइड नहीं करता, वो जो है आपका ध्यान भी रखता है, क्योंकि ये गेम्स की आदत लग सकती है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना चाहते हुए भी ये गेम खेलते जा रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्ले 681 आपको 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जहां आप एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं। और अगर इस बारे में आपको और ज्यादा जानना है तो रिस्पॉन्सिबल गेमिंग का जो लिंक है उस पे आप जाके और भी इस बारे में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इंतजार क्या कर रहे हैं, अभी साइट पे जाइए और घर बैठे बैठे कसीनो के मजे लूटिए। मल्डर आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए, रवि बिश्नोई स्ट्राइक पे हैं, देखते हैं क्या होता है। हल्के हाथ से उन्होंने जो है लेग साइड में फ्लिक किया है, दो रनों के लिए जा रहे हैं और ये मेरे को काफी अच्छी सोच लगी। पार्टनरशिप की सख्त ज़रूरत है यहाँ पे और ऐसे ही जो है आप पार्टनरशिप बना सकते हैं, सूझबूझ भरी बैटिंग करके, संभल के खेल के। 160-170 यहाँ से जो बहुत दूर दिख रहा है, वहाँ ऐसे ही जो है धीरे धीरे करके एक एक छोटे छोटे कदम बढ़ा बढ़ा के जो है पहुँचना होगा। अच्छी बल्लेबाजी आवे बिश्नोई, बड़े बड़े शॉट्स लगाने की काबिलियत भले ना रखते हो लेकिन हाँ सिंगल डबल की जो है अच्छी खासी इनमें क्षमता है और वही जो है उस क्षमता का जो है हमें पूरी तरीके से जो है फायदा उठाते हुए दिख रहे हैं वो। बढ़िया यहाँ पे बल्लेबाजी, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी मैं तो कहूँगा। 6 रन आ चुके हैं इस ओवर की 3 गेंदों में, अगली 3 गेंदें भी अगर ऐसी समझदारी से निकालें और मतलब 10 रन भी आते हैं अगर इस ओवर से तो बहुत अच्छा रन होंगे वो। हल्के हाथ से खेला है इस बार, सिंगल ही मिलेगा। इस बार जो है गेंद की लेंथ बदली, शॉर्ट पिच गेंद डाली मल्डर ने, स्ट्राइक पे आ गए हैं अक्षत पटेल। अच्छा शॉट लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, यहाँ पे ये बहुत ही खराब शॉट अक्षर पटेल की तरफ से। जिम्मेदारी की उम्मीद लगाई थी मैंने इनसे लेकिन ना खुश कर दिया इन्होंने। भुवनेश्वर कुमार आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, बल्लेबाजी करने की क्षमता इनमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। स्ट्राइक पे लेकिन है बिश्नोई, आज भुवनेश्वर कुमार को जो है अपनी बल्लेबाजी की जो यहाँ पे कला है उसका नमूना पेश करना होगा। बहुत ही खराब बल्लेबाजी रही है आज भारतीय टीम की। भुवनेश्वर कुमार स्ट्राइक पे, 9 ओवर पड़े हैं सोचो। सीधा फील्डर के पास, मौका था वैसे रन लेने का, इतने समय में तो 2 रन भी हो जाते लेकिन टाइम काफ़ी अच्छा वहां पे देखने को मिला और ये अच्छी बात भारतीय टीम के लिए। अगली गेंद देखते हैं, हवा में गेंद है, क्या ये मैदान के बाहर जाएगी या फील्डर नीचे आ जाएगा? जी हाँ फील्डर नीचे आ जाएगा। क्या कर रही है भारतीय टीम, 9 ओवर रह गए हैं तब भी हवाई हमले करने से जो है पीछे नहीं हट रही है। भुवनेश्वर कुमार से ही उम्मीद नहीं थी और युजवेंद्र चहल जो कि यहाँ पे 3 नंबर पे बल्लेबाजी मांगते हैं, आज समय तो बहुत है उनके पास,
हालांकि आए 10वें 11वें नंबर पे हैं, लेकिन कला दिखाने का समय तो बहुत है। सिंगल मिलेगा, खराब बल्लेबाज है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा खराब बल्लेबाज है यहाँ पे भारतीय टीम की तरफ से देखने को मिलती है। युजवेंद्र चहल आ गए हैं यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए। क्लिक कर दिया बॉल को, सिंगल लेंगे आराम से। स्पिनर्स का अच्छा जो है यहाँ पे दबदबा देखने को मिला हमें। स्ट्राइक पे आ गए बिश्नोई। आज कोई भी बल्लेबाज जो है मुझे इतना पेशेंट नहीं दिखा कि मतलब आराम से जो है थोड़ा सिंगल डबल ले, क्योंकि रन बहुत रफ्तार से बने हैं लेकिन विकेट भी जो है उतनी रफ्तार से गिरे हैं। इस वजह से जो रन बने हैं उनका कोई फायदा नहीं हुआ जब आप 100 पे जो है 9 विकेट खो जाएं। और अभी सिर्फ 12वां ओवर ही चल रहा हो। 97 पे 9 12 ओवर के बाद भारत मर्डर कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। अच्छी गेंद बीट किया वहां पे चहल को। अगली गेंद देखते हैं इसी के साथ, हल्के हाथों से खेला वहां पे, 2 रनों के लिए गए हैं। क्विंटन डीकॉक को खुद भाग के आना पड़ेगा वहां पे बॉल पकड़ने के लिए। और 100 रन तो पूरे नहीं हुए हैं अभी, मतलब 1 रन बचा है। 999 इंडिया 12.2 ओवर, 1 विकेट की जरूरत है यहाँ पे बस साउथ अफ्रीकन टीम को भारत की ये पारी समाप्त करने के लिए। भारत की जो ये दो बल्लेबाज हैं जो आखिरी पुचल्ले बल्लेबाज हैं, इनके मन में क्या चल रहा है ये जो है मतलब काफी सोचने वाली बात है। क्योंकि फिलहाल तो ये लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। 3 रन बटोर लिए यहाँ पे, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। जसविंदर चहल, रवि बिश्नोई, स्पिनर्स का दबदबा तो रहा है यहाँ पे। अच्छा शॉट खेला एक बार फिर से, हल्के हाथ से खेला है, 2 रनों के लिए जा रहे हैं। बिश्नोई को थोड़ा सा तेज भागने की जरूरत, डायरेक्ट हिट थी लेकिन तब भी जो है वहां पे बिश्नोई पहुंच चुके थे जब तक बॉल आके लगी विकेट पे। अगली गेंद इसी के साथ, मल्डर 1 विकेट ले चुके हैं पिछले ओवर में। हल्के हाथ से एक बार फिर से खेला है, 2 रनों की जो है पुकार लगाई है, आराम से पूरा भी कर लेंगे। 106 पे 9 13 ओवर के बाद भारत। ड्वेन प्रिटोरेस आ गए हैं यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पे हैं युजवेंद्र चहल। बढ़िया गेंद लेग बाय का जो है सिंगल मिल जाएगा यहाँ पे। चहल फ्लिप करना चाहते थे लेग साइड में, टाइमिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अगली गेंद देखते हैं यहाँ पे इसी के साथ, हवा में गेंद खेली है, फील्डर मौजूद है वहाँ पे, 2 रनों के लिए चले गए हैं यहाँ पे, लेकिन क्योंकि बॉल एकदम बाउंड्री तक पहुँच ही गई थी आराम से पूरा कर लेंगे। अगली गेंद यहाँ पे इसी के साथ, ट्विन प्रिटोरेस, ये बहुत ही जो है ख़राब टाइमिंग कहूँगा मैं, सिंगल ही मिलेगा इस पर, 110 पे स्कोर पहुँच जाता लेकिन इसी के साथ। स्ट्राइक पे आ गए युजवेंद्र चहल और बिश्नोई 13 बॉलों में 19 रन बना के खेल रहे। ये अच्छा शॉट है चहल का, थोड़ा सा तेज भागने की जरूरत थी, नहीं सिंगल पे रुकना पड़ेगा। यहाँ पे भारतीय पुछल्ले बल्लेबाज जो हैं टॉप ऑर्डर बैट्समैन से ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक तो। अगली गेंद देखते हैं प्रिटोरेस की,
अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद डाली ऑफ स्टंप के बाहर, लेग साइड में खेलना चाहते थे लेकिन टाइमिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं। आखिरी गेंद बिश्नोई को डिटोरेस की, 4 रन दिए अभी तक, हल्के हाथ से खेला है ये भी, 2 रन के लिए चले तो गए हैं, डायरेक्ट हिट मुश्किल में डाल सकती है, हुई नहीं, बच गए। तबरेज शमसी फिर से आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए, स्ट्राइक पे हैं चहल, 8 बॉलों में 8 रन बना के खेल रहे हैं। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, बीट कर दिया पूरी तरीके से वहां पे। अगली गेंद देखते हैं यहाँ पे शमसी की, चहल को बहुत ही गजब की गेंद, बल्ला पूरा घुमाया वहां पे चहल ने, टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं। शमसी के एक ओवर रह रहा है इस ओवर के बाद, फिर से अच्छी गेंद, तेज ही समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे चहल, बढ़िया गेंदबाजी मानना पड़ेगा। तबरेज शमसी 3 डॉट बॉल निकाली है इस ओवर में, और ये अच्छा शॉट खेला है यहाँ पे, सिंगल मिलेगा, प्रेशर में नहीं आना चाहिए यहाँ पे, भले अगर रन भी ना बना पा रहे हो तब भी, क्योंकि पूरे ओवर खेलेंगे कुछ भी बनाते हैं तो उतना फायदे में रहेंगे यहाँ पे। ये उतना गजब का शॉट तो नहीं कहूँगा मैं बिश्नोई की तरफ से, लेकिन तब भी 2 रन तो मिल जाएंगे उन्हें, तो 16 पे स्कोर पहुंच जाता है। इसी के साथ आखिरी गेंद होगी शमसी की, फील्ड जो है बदल दी है यहाँ पे शमसी ने बिश्नोई के लिए, बिश्नोई 23 पे खेल रहे हैं 16 गेंदों में। ये अच्छा जो है फ्लिक किया है, सिंगल लेंगे और स्ट्राइक रखेंगे 15 ओवर के बाद, 117 पे 9 भारत, बढ़िया बात ये है कि भारतीय दोनों ही बल्लेबाज जो हैं लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। अगली गेंद देखते हैं यहाँ पे इसी के साथ ड्वेन प्रिटोरेस, और ये काफी खराब गेंद, दिशाहीन गेंद, 5 अतिरिक्त रन मिलेंगे और उससे खुश होंगे यहाँ पे भारतीय बल्लेबाज। और दोस्तों आप गोवा के कसीनो का मजा घर बैठे बैठे ले सकते हो Play681 वेबसाइट पे, क्योंकि इस पे आपको सारे कसीनो गेम्स मिल जाते हैं जैसे कि बैकराट, रोलेट, स्लॉट्स गेम, फिश गेम और भी बहुत कुछ। आपको कुछ नहीं करना है ये सारे कसीनो गेम्स खेलने के लिए Play681India.com पे जाओ, अपना एक अकाउंट बनाओ रजिस्टर पे क्लिक करके, और सारी अपनी डिटेल्स भरो, रजिस्टर करो, और फिर जो है उसमें लॉग इन करके रुपीस के सेक्शन पे जाओ। तो रुपीस के सेक्शन पे जाने के बाद आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है, डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन बैंकिंग पे क्लिक करना है, और आपको जो है यहाँ पे अमाउंट डालना है। अमाउंट जो है आप मिनिमम 500 डाल सकते हैं या 500 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है, कोई परेशानी नहीं है। और फिर आपको जो है यहाँ पे बैंक चूज़ करना है, जिस भी बैंक से जो है आपको पैसे डालने हैं, डिपॉजिट करने हैं, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे चूज़ प्रमोशन, यानी कि आपको जो है बोनस दिया जा रहा है Play681 की तरफ से आपके डिपॉजिट पे। तो आप जो है इन सब स्कीम्स में से जो है, प्रमोशन स्कीम में से जो है, कोई भी एक जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जो है 500 पे 100 फ्री वाली जो यहाँ पे प्रमोशन स्कीम है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर कुछ नहीं करना, ऐड डिपॉजिट बटन पे जो है क्लिक कर देना है। एक बार ये आपके पैसे डिपॉजिट होने के बाद आप जो है किसी भी गेम का मजा उठा सकते हो और उस पे बैट करके अपनी किस्मत आजमा सकते हो। और अगर आप वो गेम जीत जाते हो तो विड्रॉ के सेक्शन में जाके आप अपने जितने भी जीते हुए पैसे हैं उन्हें आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हैं। और चिंता मत करो दोस्तों, Play681 जो है आपको सिर्फ एंटरटेनिंग गेम्स ही प्रोवाइड नहीं करता, वो जो है आपका ध्यान भी रखता, क्योंकि ये गेम्स की आदत लग सकती है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना चाहते हुए भी ये गेम खेलते जा रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। Play681 आपको 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जहां आप एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं। और अगर इस बारे में आपको और ज्यादा जानना है तो रिस्पॉन्सिबल गेमिंग का जो लिंक है उस पे आप जाके और भी इस बारे में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इंतजार क्या कर रहे हैं, अभी साइट पे जाइए और घर बैठे बैठे कसीनो के मजे लूटिए। भारतीय टीम बिश्नोई स्ट्राइक पे हैं, अगली गेंद देखते हैं यहाँ पे इसी के साथ। अच्छी गेंद बाहर की तरफ रख रहे हैं, ऑफ साइड की जो है पूरी फील्ड, प्रॉपर फील्ड ऑफ साइड की सजा रखी है।
उधर की तरफ ही जो है यहाँ पे गेंद डालने का प्लान दिखता हुआ अभी तक पेटोरिस का। अच्छी गेंद, शॉर्ट पेस डिलीवरी, समझ नहीं पाए बिश्नोई वहां पे। अगली गेंद इसी के साथ, बहुत ही गजब की गेंद, बाहर निकली टिप्पा खाके वो गेंद, बढ़िया गेंद थी यहाँ पे प्रेटोरिस की, बढ़िया गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे ड्वेन प्रेटोरिस की तरफ से। ये शॉट बहुत ही अच्छा, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पे, इस वजह से रन नहीं मिल पाएगा। तो पहली बॉल पे 5 अतिरिक्त रन दिए थे, खुद अपनी जेब से दिए थे, लेकिन उसके बाद से जो गेंदबाजी करे यहाँ पे प्रेटोरिस ने, लाजवाब। ये जो है यहाँ पे फिर से बीट हो गए पूरी तरीके से, कजब की गेंदबाजी यहाँ पे प्रेटोरिस की तरफ से। आखिरी गेंद इसी के साथ, बिश्नोई को पूरी तरीके से जो है यहाँ पे फंसा के रखा, और आखिरी गेंद भी वैसी करेंगे। 5 रन आए उस ओवर में, वो भी सिर्फ बाय के। कबाड़ा आ गए हैं कबाड़ा करने के लिए भारतीय टीम का, जिनका ऑलरेडी बहुत कबाड़ा हो रखा है इस समय। देखते क्या करते हैं यहाँ पे चहल पहली गेंद पे। हवा में गेंद खेली है, फील्डर मौजूद है, और ये क्या गजब का कैच पकड़ा है, नहीं खेलना चाहिए था वो शॉट, और खेल दिया। तो यहाँ पे एक और बेकार मैच जो है मुझे होता हुआ दिख रहा है। 122 रन तो किसी भी हालत में जो है काफी नहीं रहेंगे यहाँ पे साउथ अफ्रीकन टीम के लिए, बाकी देखते हैं क्या होता है। ये मैच तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका एक बार फिर से ले जाते हुए दिख रही है। भुवनेश्वर कुमार यहाँ पे स्पिनर से स्टार्ट करते हैं। कुछ भी अच्छा नहीं गया उस इनिंग्स में भारतीय टीम के लिए। तो पहला ओवर चहल से डलवा रहे हैं यहाँ पे कप्तान ऋषभ पंत। देखने वाली बात यह है कि कितना फायदेमंद रहेगा ये डिसीजन। अच्छा शॉट खेला है, गैप में खेला है, फील्डर मौजूद है वहां पे, 2 रन के लिए जाएंगे दोनों बल्लेबाज और 2 रन ले भी लेंगे। गेंद देखते हैं यहाँ पे तेंबू बमुआ, ये शॉट अच्छा खेला और इस बार 4 रन मिल जाएंगे बमुआ को। चहल पे जो है यहाँ पे दबाव बनाते हुए बमुआ, खराब प्रदर्शन, लेकिन बहुत ही ज्यादा खराब प्रदर्शन यहाँ पे भारतीय टीम की तरफ से पहले 2 मैचेस में। ये शॉट भी अच्छा खेला है, इस बार रिवर्स स्वीप खेला है, कोई फील्डर उस बॉल को नहीं रोक पाएगा, 4 रन और मिल जाएंगे। खराब यहाँ पे जो है गेंदबाजी होती हुई, या फिर मैं कहूंगा बल्लेबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं यहाँ पे बमुआ। अच्छी गेंद, इस बार रोका अपने आप को, विट नहीं दी रूम बनाने की जो है, इस वजह से जो है कुछ कर नहीं पाए वहां पे बमुआ। कोई रन नहीं मिल पाएगा, टारगेट बहुत ही कम है, बहुत ही साधारण सा टारगेट है, अभी जो है रन बॉल हो गया है। बढ़िया गेंद, लेकिन कोई विकेट नहीं मिल पाएगा। अभी बिश्नोई आ गए हैं यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए, स्ट्राइक पे हैं क्विंटन डीकॉक। पहली गेंद देखते हैं यहाँ पे बिश्नोई, अच्छा शॉट खेला है, गैप में खेला है, 4 रन बटोरेंगे क्विंटन डीकॉक पहली ही गेंद पे। ओवर द विकेट डालने गए थे वहां पे, रूम बनाया डीकॉक ने, और बहुत ही लाजवाब शॉट ये। अगली गेंद देखते हैं यहाँ पे बिश्नोई, बल्लेबाजी से कुछ कमाल करने को जो है देखा था उन्होंने, कोशिश भी करी थी लेकिन इतना कमाल तो नहीं कर पाए, लेकिन क्या यहाँ गेंद से जो है कुछ कमाल कर सकते हैं। बढ़िया यहाँ पे बल्लेबाजी अभी तक डीकॉक की तरफ से, बढ़िया गेंद, यहाँ पे विकेट मिलना चाहिए, बहुत तेज चिल्ला रहे हैं और उंगली उठ चुकी है। अर्ली ब्रेक थ्रू की जो है जरूरत थी यहाँ पे, और बिश्नोई ने जो है काम, हाँ क्या क्या कर रहे हो भाई, ये पब्लिक प्लेस में ये सब थोड़ी करना होता है।
पीकॉक ने रिव्यू नहीं लिया है और वापस टल दिए हैं। भारत को पहला विकेट मिल चुका है दूसरे ही ओवर में। मार्करम आए हैं नए बल्लेबाज, अच्छा शॉट खेला है और फील्डर नहीं बचा पाएगा वहां पे बॉल को, चार रन और मिल जाएंगे। मार्करम ने आते ही जो है यहाँ पे हवाई हमले चालू कर दिए। कजब का शॉट ये, रवि बिश्नोई अगली गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद अंदर आई, विकेट की दरकार है यहाँ पे ऋषभ पंत को। अच्छी गेंद, बहुत लेट खेलने में मजबूर किया। युजवेंद्र चहल यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए आ गए हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे, अपील करिए एक बार फिर से बहुत बड़ी। मेरे ख्याल से विकेट यहाँ पे नहीं मिल पाया क्योंकि ऑफ स्टंप के जो है बाहर बॉल रहेगी। देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए अंदर की तरफ आई थी क्या गेंद, अबे आई भी थी, इम्पैक्ट इन लाइन, अरे अबे ले लेना चाहिए था रिव्यू भाई। अरे यार बोल्ड कर दिया है यहाँ पे चहल ने, पिछली गेंद पे जो है LBW से चूके, लेकिन अगली गेंद पे कप्तान को साउथ अफ्रीका के क्लीन बोल्ड कर दिया है। गजब की गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे भारतीय गेंदबाजों की तरफ से। क्या इस मैच में और ट्विस्ट आ सकते हैं, दो ओवर दो विकेट दो बड़े बैट्समैन वापस। कुबली को समझ नहीं पाए वहां पे। बबूमा और नए बल्लेबाज जो हैं वो आए हैं डेविड मिलर, अच्छा शॉट खेला है, गैप में खेला है, फील्डर नहीं बचा पाएगा वहां पे या शायद बचा भी लेगा। और यहां पे बॉल वापस थ्रू करी है लेकिन थ्रू में उतना दम नहीं, इस वजह से तीन रन मिल जाएंगे मेरे ख्याल से। जी हाँ दोस्तों, तीन रन मिल जाएंगे। स्ट्राइक पे आ गए इसी के साथ एडन मार्करम। देखते हैं यहाँ पे यश चहल क्या जो है यहाँ पे गजब की गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उससे भी गजब का शॉट खेल दिया यहाँ पे मार्करम ने, काफी गजब का शॉट। ये रिवर्स स्वीप देखिए कितनी लाजवाब, बहुत ही गजब का यहाँ पे शॉट। लेके इसी के साथ यहाँ पे मार्करम, अच्छा शॉट खेला है, फील्डर मौजूद है वहां पे और सिंगल ही मिलेगा। आखिरी गेंद इस ओवर की, आठ रन दिए इस ओवर में चहल ने, लेकिन विकेट दिलाया है एक। और इस समय जो है परवाह यहाँ पे भारतीय टीम को सिर्फ और सिर्फ विकेट की है। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, एडन मार्करम स्ट्राइक पे हैं और रवि बिश्नोई कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे अपनी गेंदबाजी को। और ये बढ़िया शॉट खेला, कोई फील्डर जो है इसे बचा सकते हैं और यहाँ पे बचाया भी है और तीसरे रन के लिए गए हैं, चांस हो सकता है रन आउट का, यहाँ पे नहीं बच गए लेकिन एक रन बचाया वहाँ पे। गजब की फील्डिंग, बहुत ही ज़्यादा गजब की फील्डिंग। अगली गेंद देखते हैं आप इसी के साथ मिलर को, अच्छा शॉट और अच्छी फील्डिंग। साइड बदली है बिश्नोई ने मिलर के लिए, अच्छा शॉट खेला है ये फील्डर, जब तक वहां पे बॉल पकड़ेगा तब तक एक सिंगल बटोर लेंगे। विकेट की तलाश है यहाँ पे इन दोनों बल्लेबाजों को, सेटल होने नहीं दे सकते यहाँ पे। देखते हैं क्या होता है इस अगली गेंद पे, अच्छा शॉट, एक और चौका यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे मार्करम के नाम। बढ़िया रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं
और इसी वजह से जो है यहाँ पे कैप में बॉल को जो है पुश कर रहे हैं और 4 रन बटोर रहे हैं बहुत ही आसानी से। शॉट देखिए यार कितना गजब का है। अगली गेंद देखते हैं बिश्नोई क्या करेंगे यहाँ पे। अच्छा शॉट, इस बार कट का जो है सहारा लिया, बॉल बाउंड्री तक तो पहुंचते हुए नहीं दिख रही है मुझे, लेकिन तीसरे रन के लिए गए हैं। क्या चांस हो सकता है रन आउट का? जी नहीं, पहुंच गए वहां पे। लेकिन स्ट्राइक पे है मिलर, मार्करम का विकेट निकालना बहुत जरूरी। 4 ओवर के बाद 39-2 साउथ अफ्रीका। चहल ने पिछले ओवर में जो है बेहतरीन गेंदबाजी करी थी, इस ओवर में भी कुछ मतलब ऐसी उम्मीद है यहाँ पे। 40 पे स्कोर पहुंच गया है, टारगेट ज्यादा नहीं है इस समय और इसी वजह से जो है प्रेशर में दिख रही है मुझे भारतीय टीम। और ये शॉट देखिए यार, गजब का शॉट मिलर की तरफ से, पावर प्ले है, इतना तो यहाँ पे जो है झेलना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते आप। गजब का शॉट ये, लेकिन देखते हैं यहाँ पे चहल, एक बढ़िया शॉट और खेलने वाले थे लेकिन टाइमिंग उतना अच्छा नहीं। साइड बदली है चहल ने, विकेट की तलाश में है। एक अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद नहीं, बॉल से जो है यहाँ पे कोई भी पेसर नहीं देखने को मिला। ये शॉट अच्छा खेला है, कोई फील्डर कुछ नहीं कर पाएगा, 4 रन और मिल जाएंगे मिलर को। गजब का शॉट यहाँ पे, आखिरी गेंद इसी के साथ चहल की, कोई रन नहीं मिलेगा। 5 ओवर के बाद 48-2 साउथ अफ्रीका। नेश्वर कुमार को लेके आए, विकेट की तलाश है। दोस्त आप गोवा के कसीनो का मजा घर बैठे बैठे ले सकते हो Play681 वेबसाइट पे, क्योंकि इस पे आपको सारे कसीनो गेम्स मिल जाते हैं जैसे कि पैक रैट, रोलेट, स्लॉट्स गेम, फिश गेम और भी बहुत कुछ। आपको कुछ नहीं करना है ये सारे कसीनो गेम्स खेलने के लिए Play681India.com पे जाओ, अपना एक अकाउंट बनाओ रजिस्टर पे क्लिक करके और सारी अपनी डिटेल्स भरो, रजिस्टर करो और फिर जो है उसमें लॉग इन करके रुपीस के सेक्शन पे जाओ। तो रुपीस के सेक्शन पे जाने के बाद आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है, डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन बैंकिंग पे क्लिक करना है और आपको जो है यहाँ पे अमाउंट डालना है। अमाउंट जो है आप मिनिमम 500 डाल सकते हैं या 500 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है, कोई परेशानी नहीं है। और फिर आपको जो है यहाँ पे बैंक चूज करना है, जिस भी बैंक से जो है आपको पैसे डालने हैं, डिपॉजिट करने हैं। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे चूज प्रमोशन, यानी कि आपको जो है बोनस दिया जा रहा है Play681 की तरफ से आपके डिपॉजिट पे। तो आप जो है इन सब स्कीम्स में से जो है, प्रमोशन स्कीम में से जो है, कोई भी एक जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जो है 500 पे 100 फ्री वाला जो यहाँ पे प्रमोशन स्कीम है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर कुछ नहीं करना, ऐड डिपॉजिट बटन पे जो है क्लिक कर देना है। एक बार ये आपके पैसे डिपॉजिट होने के बाद आप जो है किसी भी गेम का मजा उठा सकते हो और उस पे बैट करके अपनी किस्मत आजमा सकते हो। और अगर आप वो गेम जीत जाते हो तो विड्रॉ के सेक्शन में जाके आप अपने जितने भी जीते हुए पैसे हैं उन्हें आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हैं। और चिंता मत करो दोस्तों, Play681 जो है आपको सिर्फ एंटरटेनिंग गेम्स ही प्रोवाइड नहीं करता, वो जो है आपका ध्यान भी रखता है, क्योंकि ये गेम्स की आदत लग सकती है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना चाहते हुए भी ये गेम खेलते जा रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। Play681 आपको 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जहां आप एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं। और अगर इस बारे में आपको और ज्यादा जानना है तो रिस्पॉन्सिबल गेमिंग का जो लिंक है उस पे आप जाके और भी इस बारे में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इंतजार क्या कर रहे हैं, अभी साइट पे जाइए और घर बैठे बैठे कसीनो के मजे लूटिए। विकेट की तलाश के कारण जो है यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार आए हैं और
उम्मीद करता हूँ कुछ काम का जो है यहाँ पे कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। पहली गेंद इसी के साथ भुवनेश्वर कुमार, अच्छा शॉट, चार रन के लिए जो है खेल दिया वहां पे मार्करम ने। मार्करम को रोकना जो है यहाँ पे बहुत ही मुश्किल, खासकर पावर प्ले में। बढ़िया पारी के लिए जिन्होंने पिछले मैच में भी और इस मैच में भी जो है अभी तक गजब की जो है बल्लेबाजी करी है। अगली गेंद देखते हैं यहाँ पे इसी के साथ, हवा में शॉट खेला है, फील्डर मौजूद है वहां पे, सिंगल मिलेगा। मिलर आ जाएंगे स्ट्राइक पे इसी के साथ। भुवनेश्वर कुमार एक विकेट की तलाश है इनसे, एक विकेट मिल जाएगा बहुत ही जो है मजा आ जाएगा। लेकिन तब भी अगर यहाँ पे मतलब बॉलिंग कितनी अच्छी करा ले, लेकिन मैच जीतना जो है इतना आसान लगता नहीं है मुझे। अच्छी गेंद थी लेकिन ये बीट कर दिया था लगभग। मार्करम का विकेट लेना बहुत जरूरी लेकिन इस समय। हवा में शॉट खेला है, फील्डर वहां पे टाइम रहते पहुंच तो जाएगा, लेकिन तब तक जो है दो रन जो है ले लेंगे यहाँ पे। आखिरी गेंद, आठ रन आ चुके हैं इस ओवर में भी। आखिरी गेंद पे अगर एक चौका पड़ जाएगा तो महंगा ओवर हो जाएगा ये भी। शॉट बहुत ही अच्छा लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पे, इसी वजह से जो है सिंगल ही मिलेगा। नौ रन आए इस ओवर से। पावर प्ले समाप्त 57-2 साउथ अफ्रीका, और मैच पूरी तरीके से उनके हाथ में है, कुछ भी कह लो। कुछ तो यहाँ पे जो है तगड़ा करना पड़ेगा अगर इस मैच को जो है हाथ में लेना है तो भारतीय टीम को, वरना तो ये मैच निकल जाएगा हाथ से और कुछ नहीं कर पाएगी यहाँ पर भारतीय टीम। युजवेंद्र चहल कंटिन्यू करेंगे, अपना आखिरी ओवर डालेंगे यहाँ पे। बेहतरीन गेंद से शुरुआत करी, ऐसी कुछ और ओवर चाहिए यहाँ पे। अच्छा शॉट खेला है, फील्डर मौजूद है, अरे यार गजब का शॉट। यहाँ पे फील्डर की गलती कहूंगा मैं, रूम तो दिया था वहां पे क्योंकि फील्ड वैसी सजा रखी है, लेकिन गलती ज्यादा मैं कहूंगा वहां पे फील्डर की। बार हल्के हाथों से बॉल को पुश किया है, सिंगल बटोर लेंगे, विकेट की तलाश यहाँ पे। गेंद देखते हैं यहाँ पे चहल की तरफ से, अच्छा शॉट लेकिन सीधा फील्डर के पास। 61 रन चाहिए यहाँ पे बस अब, और बॉलें तो यहाँ पे कितनी बड़ी हैं वो तो आपको पता ही है। अबे रोक ले ए भाई, ये क्या है यार, सेटिंग है भाई ये तो। अगली गेंद देखते हैं यहाँ पे युजवेंद्र चहल की तरफ से, अच्छी गेंद लेकिन महंगा ओवर ये। ईश्वर कुमार कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे किस्मत साथ देगी, फील्डर ने बचा लिए गेंद को, वापस भी फेंक दो समय रहते तो विकेट मिल जाए यहाँ पे। जी नहीं, डायरेक्ट हिट नहीं हुए इसलिए विकेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक रन बचाया वहाँ पे, और नो बॉल भी कर दी है यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार ने, बस अब इसी की कमी थी, फ्री हिट दे दो अब। फ्री हिट पे जो है स्ट्राइक पे है मिलर, और शॉट देखिए यार ये कितना गजब का खेला है। अबे पकड़ ले भाई, कुछ भी अच्छा नहीं जाता हुआ यहाँ पे इस मैच में भारतीय टीम के लिए। अगली गेंद वहां पे भुवनेश्वर कुमार, एज लगा और ये बॉल बाउंड्री तक तो नहीं जाएगी,
लेकिन 2 रन जरूर मिल जाएंगे। मैच तो ऐसा लग रहा है कि हाथ से निकल ही चुका है भारतीय टीम के। इस बार फिर से एज लगा है, फील्डर मौजूद है थर्ड मैन पे, सिंगल ही मिलेगा। अगली गेंद यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार, अच्छा शॉट लेकिन सीधा फील्डर के पास। मार्करम 18 बॉलों में 36, मिलर 18 बॉलों में 22, अच्छी पारी खेली है दोनों ने, और क्योंकि टारगेट तो वैसे ही छोटा था। स्टार्टिंग में 2 विकेट तो गिर गए थे, लेकिन उसके बाद से जो है कमान संभाली यहाँ पे, गैप में शॉट खेला है, 2 रनों के लिए गए हैं, और मेरे को नहीं लगता यहाँ पे रन आउट हो पाएगा। अक्षर पटेल आए हैं यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए, स्ट्राइक पे है मिलर, बढ़िया गेंद, गजब गेंद वहां पे। अगली गेंद देखते हैं यहाँ पे इसी के साथ, और एच लगा, फर्स्ट स्लिप पे कोई नहीं है, और क्योंकि कोई नहीं है 2 रन भी मिल जाएंगे यहाँ पे। मिलर जो है बाल बाल बच रहे हैं यहाँ पे। अगली गेंद देखते हैं यहाँ पे पटेल की तरफ से, अच्छा शॉट खेला है, और ये नहीं बच पाएगी बॉल, 4 रन मिल जाएंगे। ज्यादा रूम दे दिया वहां पे, और पूरा फायदा उठाया उसका मिलर द किलर ने। अगली गेंद यहाँ पे अक्षर पटेल, बहुत ही गजब का शॉट ये। अगली गेंद अक्षर पटेल, बेहतरीन गेंद, बीट कर दिया पूरी तरीके से वहां पे। ये गेंद, अच्छा शॉट खेला है, और यहाँ पे 4 रन मिल जाएंगे मार्करम को। शानदार बल्लेबाजी करी है मार्करम ने आज, और हर खराब गेंद का जो है पूरी तरीके से फायदा उठाया। भुवनेश्वर कुमार कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पे किस्मत का साथ देखिए, एच भी लगा तो विकेट कीपर के बगल से निकल गई। मैदान अच्छा था बल्लेबाजी के लिए, लेकिन यहाँ पे खराब बल्लेबाजी जो है करी है भारतीय टीम ने, कोई दो राय नहीं है उसमें। अगली गेंद देखते हैं यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार की, एच और कोई रन नहीं। बढ़िया गेंद, इनसाइड एज लगा है इसलिए अंपायर इंटरेस्टेड तो होंगे नहीं ज्यादा, ऑब्वियसली बात है। एज लगा है, फील्डर मौजूद है वहां पे थर्ड मैन पे, सिंगल मिलेगा सिर्फ। मार्करम स्ट्राइक पे आ गए हैं, 42 रन 22 बॉल, ये शॉट भी अच्छा खेल दिया है, फील्डर वहां पे नहीं बचा पाएगा। फील्डिंग बहुत ही खराब हुई है। अच्छा शॉट, लॉग ऑफ का फील्डर मौजूद है वहां पे, सिंगल मिलेगा, और अब तो ऐसा लग रहा है भारतीय टीम उम्मीद भी हार चुकी है। अक्षर पटेल पहले ओवर में 11 रन दिए थे इन्होंने, और 10 ओवर में 98 रन बना लिए यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने। अच्छा शॉट खेला है, शॉट बहुत ही अच्छा,
फील्डर वहां पे कुछ नहीं कर पाएगा। और 50 रन पूरे यहां पे मायक्रम की, 51 रन बना लिए 26 गेंदों में, शानदार बल्लेबाजी। अगली गेंद यहां पे इसी के साथ स्वीप शॉट खेला, फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा सिर्फ। पहले दो मैच तो यहाँ पे काफी ज्यादा खराब हुए हैं। मैच लगा, फील्डर मौजूद, पॉइंट का कोई रन नहीं। मिलर एक तरफ जो है उन्होंने थोड़ा सा संभल के बल्लेबाजी करी, लेकिन मार्करम ने दूसरी तरफ से पूरा जो है मैच को साउथ अफ्रीका के हाथ से जाने ही नहीं दिया एक सेकंड के लिए भी। एज लगा है, फील्डर वहां पे जब तक बॉल लौटाएगा सिंगल मिल जाएगा। हार्दिक पांडे आए हैं गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पे। सांसा सिंगल पहली गेंद पे, अच्छा शॉट खेल दिया है, 4 रन मिल जाएंगे। लेग साइड में वैसी प्रोटेक्शन नहीं है, और अगर आप स्टंप्स पे गेंद डालेंगे तो आपकी गेंद को जो है यही सुलूम मिलेगा। अच्छा शॉट मार्करम का, और वो भी उस बल्लेबाज से जो 50 पार करके जो है यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहा है, वो तो हिचकिचाएगा नहीं ये शॉट खेलने से। अरे पकड़ा क्यों नहीं भाई, अबे यार अभी हो गई। अच्छा शॉट एक बार फिर से गैप में। तो हार्दिक पांडे ऐसा लग रहा है यहाँ पे मैच खत्म करवाने के लिए आए हैं। गेंद यहाँ पे इसी के साथ, 30 बॉल 60 रन। एज देखिए यहाँ पे, अरे बाप रे बाप, इनका मन ही नहीं करता भाई बॉल पकड़ने का, वन टिप आउट ही कर लेता। अब तो क्लियर हो गया, मैच खत्म करवानी आए। अक्षर पटेल, कोई विकेट नहीं मिला अभी तक इन्हें, लेकिन अच्छी गेंद से शुरुआत करी यहाँ पे। अभी गेंद देखते हैं इसी के साथ, हवा में गेंद, फील्डर नहीं पहुंच पाएगा, 4 रन मिल जाएंगे। 100 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली इसी के साथ। भारतीय टीम इस मैच में एक और शर्मनाक परफॉर्मेंस, और ये मैच खत्म। कजब का शॉट, मिलर ने मैच खत्म किया चौका मार के, और एक और शर्मनाक परफॉर्मेंस यहाँ पे भारतीय टीम की। कजब का शॉट ये देखिए, बहुत ही लाजवाब शॉट मिलर का, एक और खराब परफॉर्मेंस भारतीय टीम की। अगले मैच में जो है सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक के लिए प्रैक्टिस करी जाए थोड़ी सी। यार गेम ख़राब हो गया आईपीएल के बाद, आखिरी मैच काफ़ी मज़ेदार हुआ था आईपीएल का फाइनल, इसके बाद तो हाथ नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। बिठाते हैं हाथ, 3 मैच हैं, 3 के 3 जीतेंगे, टेंशन ना लो, मिलते हैं नेक्स्ट मैच में। दोस्तों आप गोवा के कसीनो का मजा घर बैठे बैठे ले सकते हो Play681 वेबसाइट पे, क्योंकि इस पे आपको सारे कसीनो गेम्स मिल जाते हैं, जैसे कि बैकराट, रोलेट, स्लॉट्स गेम, फिश गेम और भी बहुत कुछ। आपको कुछ नहीं करना है ये सारे कसीनो गेम्स खेलने के लिए, Play681India.com पे जाओ, अपना एक अकाउंट बनाओ रजिस्टर पे क्लिक करके, और सारी अपनी डिटेल्स भरो, रजिस्टर करो, और फिर जो है उसमें लॉग इन करके रुपीज के सेक्शन पे जाओ।
तो रुपीज़ के सेक्शन पे जाने के बाद आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन बैंकिंग पे क्लिक करना है और आपको जो है यहाँ पे अमाउंट डालना है। अमाउंट जो है आप मिनिमम 500 डाल सकते हैं या 500 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है, कोई परेशानी नहीं है। और फिर आपको जो है यहाँ पे बैंक चूज़ करना है जिस भी बैंक से जो है आपको पैसे डालने हैं, डिपॉजिट करने हैं। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे चूज़ प्रमोशन, यानी कि आपको जो है बोनस दिया जा रहा है प्ले 681 की तरफ से आपके डिपॉजिट पे। तो आप जो है इन सब स्कीम्स में से जो है, प्रमोशन स्कीम में से जो है, कोई भी एक जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जो है 500 पे 100 फ्री वाला जो यहाँ पे प्रमोशन स्कीम है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर कुछ नहीं करना, ऐड डिपॉजिट बटन पे जो है क्लिक कर देना है। एक बार ये आपके पैसे डिपॉजिट होने के बाद आप जो है किसी भी गेम का मजा उठा सकते हो और उस पे बैठ करके अपनी किस्मत आजमा सकते हो। और अगर आप वो गेम जीत जाते हो तो विड्रॉ के सेक्शन में जाके आप अपने जितने भी जीते हुए पैसे हैं उन्हें आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हैं। और चिंता मत करो दोस्तों, प्ले 681 जो है आपको सिर्फ एंटरटेनिंग गेम्स ही प्रोवाइड नहीं करता, वो जो है आपका ध्यान भी रखता है, क्योंकि ये गेम्स की आदत लग सकती है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना चाहते हुए भी ये गेम खेलते जा रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्ले 681 आपको 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जहां आप एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं। और अगर इस बारे में आपको और ज्यादा जानना है तो रिस्पॉन्सिबल गेमिंग का जो लिंक है उस पर आप जाके और भी इस बारे में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इंतजार क्या कर रहे हैं, अभी साइट पे जाइए और घर बैठे बैठे कसीनो के मजे लूटिए।